महिलाओं के प्रति अपराध लगातार बढ़ रहा है। प्रशासन कोशिश कर रहा है कि वह अपराधियों पर सख्त कार्यवाही करे और अपराधों पर लगाम कसे, लेकिन जरूरी है कि महिलाएं और बच्चे अपना ध्यान खुद रखें और अपनी रक्षा करने में सक्षम हों। आज हम लोग जो शक्ति की पूजा कर रहे हैं, इस समय नवरात्र चल रहे हैं, तो इस एकेडमी के लिए का मैं आभार प्रकट करूंगा कि आपने माँ दुर्गा के शक्ति रूप इन बच्चियों को हम लोग के द्वारा पुरस्कार दिलाया। इसके लिए हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। ये बच्चियाँ भी माँ दुर्गा का स्वरूप हैं। और ताइक्वांडो, जूडो, कराटे, बॉक्सिंग, ये जो मार्शल आर्ट और आत्मरक्षा से रिलेटेड खेल हैं, इन खेल से सभी परिवार की सभी बच्चियों को जुड़ना चाहिए। साथ ही जो गार्जियन से आए उनसे मेरा ये निवेदन है कि जो इनके परिवार में जो बच्चे हैं, बॉयज़ हैं, उनको भी संदेश, उनको भी ये विस्तृत रूप से जानकारी दें कि हमें बच्चियों के प्रति अपने मन में क्या भाव रखना है। फरुखाबाद में नारी सशक्तिकरण की अनोखी मिसाल देखने को मिली है। जूडो कराटे के खेल में शहदों दुष्कर्मियों को छोटी बच्चियों ने कड़ा संदेश दिया। ये हमें नारी शक्तिकरण से मिला है। जो आजकल सोसाइटी में जो ये क्राइम्स हो रहे हैं, ये जो क्राइम की वजह से लड़कियों को दिक्कतें हो रही हैं, उसकी वजह से हम लोगों ने इस चीज को ज्वाइन किया है। शारदीय नवरात्रि चल रही है जिसमें बच्चियों को पूजा जाता है, लेकिन छोटी छोटी बच्चियां मिसाल बन रही हैं और कह रही हैं कि हम अपनी रक्षा खुद कर सकते हैं। जो महिलाओं आजकल रेप वगैरह ये सब अपराध हो रहा है, उसका विरोध करने के लिए। अच्छा, जिस तरह से समाज में महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है, निकलने नहीं लोग घर से देते हैं, तो उन घर वालों के लिए क्या संदेश रहेगा? जो लोग महिलाओं के सम्मान ना कर सकें, वो अपराध भी ना करें। करीब एक सैकड़ा बच्चियां नारी सशक्तिकरण की मिसाल पेश कर रही हैं। प्राइवेट कार्यक्रम में बच्चियों ने जूडो कराटे दिखाकर मंचलों को संदेश दिया। इस कार्यक्रम में फरुखाबाद जिला क्रीड़ा अधिकारी मौजूद रहे। आजकल जिस तरह का माहौल है, इस तरह बच्चों को खेल में जरूर आना चाहिए। और सबसे अच्छा जो साधन है वो शोटोकन, ताइक्वांडो, बॉक्सिंग, इन सब खेलों में जुड़ना चाहिए और अपने आप को मजबूत करना चाहिए। और जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे खेल से, सेल्फ डिफेंस सीखेंगे, वो उनके लिए बेनिफिट होगा। द पंचौरा न्यूज़ के लिए फरुखाबाद से पुनीत मिश्रा की रिपोर्ट। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जुड़े रहिए अपने शहरों की खबरों के संसार के साथ, पंचौरा न्यूज़ के साथ।